दोस्तों, आज के समय में एंड्रॉयड मोबाइल का यूज बहुत सारे लोग करते हैं और बहुत सारे लोग को ये नहीं पता होता है कि आपके मोबाइल में रैम कितनी है। तो दोस्तों, इसी विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। आप अपने मोबाइल में कैसे चेक करेंगे रैम, मेरे मोबाइल का रैम कितना है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हरी 91 और मैं हरी गुप्ता एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आप अपने मोबाइल में ओपन करेंगे सेटिंग ऑप्शन। सेटिंग ऑप्शन पर जाना है एंड क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सर्च करना है अबाउट फ़ोन। अबाउट आप फ़ोन जो है आप खोजेंगे सेटिंग में जाने के बाद। तो अबाउट फ़ोन जो है हो सकता है आप में सबसे ऊपर हो और मेरे में यहाँ पर दिखाई दे रहा है सबसे नीचे। अबाउट फ़ोन पर आपको जाना है। अबाउट फ़ोन पर जाने के बाद आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपसे किसी ने पूछा आप कौन सा फ़ोन यूज करते हैं तो आपको बस ये भी नहीं पता होगा कौन सा फ़ोन यूज करते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। जिन लोगों को पता है उन लोगों के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको पता है तो आप जो है ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं आज के समय में नहीं जानते हैं, बहुत सारे लोग हैं सीख रहे हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं कि जो है आपका जो डिवाइस नेम है वो Realme 7 है और जो एंड्रॉयड वर्जन है वो 11 है। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया आप कौन सा वर्जन यूज करते हैं तो आप ये भी बता सकेंगे अब जो है मैं 11 यूज कर रहा हूँ, एंड्रॉयड वर्जन 11। आपका जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर बहुत सारे लोग को नहीं पता होता है प्रोसेसर होता क्या है। इन सब चीज़ों से किसी से मतलब नहीं होता, बट किसी ने अगर आपसे पूछ लिया तो आप यहाँ से जो है देख कर बता सकते हैं आपका रैम कितना है, प्रोसेसर कौन सा है, आपका डिवाइस स्टोरेज कितना है। तो आपका जो रैम है देख सकते हैं 8 GB रैम है और डिवाइस स्टोरेज आपका जो है 128 GB है। और मॉडल अगर आपसे पूछ लेता है आपका मोबाइल का मॉडल क्या है तो आप अब आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पर नीचे दिया गया है मॉडल नंबर RMX2151। तो यहाँ से आप जो है दोस्तों बता सकते हैं। मेन टॉपिक था आपका रैम का, तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपका जो रैम है वो 8 GB रैम है। तो दोस्तों, वीडियो कितना हेल्पफुल रहा आप लोगों के लिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताया करें। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक भी दिया गया है, वहां से जाकर के आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।